मैं हो चुकी हूँ फिर तैयार, बस मम्मा का आवाज़ पहनने लग गया है, फिर हम लोग निकलेंगे। और हमें निकलना 5 बजे था, अभी 5:15 तो हो ही गए, हम थोड़े से लेट भी हो सकते हैं। तो अभी हम तैयार हो गए, अभी हम वहाँ जाएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे। सो गाइस, अबू रहरा की फुल लुक ये है, और अबूरा थोड़ा प्यारा भी लग रहा है। मुझे पहली दफ़ा अबूरा प्यारा लग रहा है, वरना मुझे लगता नहीं, मतलब नहीं बहुत प्यारा लग रहा है, और थोड़ा सा नहीं बहुत प्यारा, अच्छा लग रहा है। मम्मा जल्दी करे, जल्दी, बहुत देर हो गई क्योंकि हम लोग सो गए थे ना। तो फिर जब हम उठे तो मम्मा ने अबू अपने कपड़े प्रेस किए, क्योंकि लाइट चले गई थी, सिर्फ अबू रह के हुए थे, इसलिए हमें थोड़ा लेट हो गया। और बाकी अबू रह, मैं तो तैयार है। अभी जो है वो हम लोग अफ्तारी कर चुके हैं, और अल्लाह का शुक्र है सब बहुत अच्छे से हुआ। और आप लोग यकीन पूरे ब्लॉग में यही सोच रहे होंगे कि हम किसकी दावत में जा रहे थे, तो हम अपने फादर की दावत में आए थे। और मैं अगले ब्लॉग में बताऊँगी पूरी डिटेल आपको कि हम किसकी दावत में आए थे, हमने क्या किया था। और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि हमें एक ही दस्तरखान में बहुत सारी नेमतें याद मिली। और आज की जो मुझे आप लोग को दुआ बतानी है, वो दुआ है अगर आप किसी के यहाँ जा कर अफ्तार करें तो आपको कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, तो वो दुआ ये है, أفطروا عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة। अगर आपकी जैसे दावत हो या फिर किसी के आप अफ्तार करने जाएँ तो आप ये वाली दुआ पढ़ सकते हैं। अब जो है वो हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और जैसे हज़्र मामूल आप लोगों को ये बात पता है कि मैं घर जाके तरावी की तैयारी करूँगी, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ फिर अपने ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह।